हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ IIT गुवाहाटी की तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD। लास्ट डेट हमने लास्ट डेट्स वाले वीडियो में डिस्कस किया था, बट डिटेल्ड वीडियो अभी हमने नहीं देखा था। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन्स को, जो भी क्राइटेरिया है या बाकी इन्फॉर्मेशन्स है। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई इशू या सजेशन हो, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल IIT.ac.in ये है वेबसाइट एंड इसी पे करना होगा आपको विजिट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन अनाउंसमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं एडमिशन टू PhD एंड बाकी, क्योंकि PG एडमिशन भी ओपन है, सो बाकी कोर्सेज के लिए भी सेम पोर्टल से आप विजिट करके इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। सो हम इस पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर, देन ओपन होगा नेक्स्ट पेज। ओके, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड यहाँ पर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है एंड जो लास्ट डेट है वो 25th of April 2022 at 5 PM। ओके, सो प्रोसेस एंड होगा, क्लोजिंग डेट है 25th अप्रैल एंड टाइम है 5 PM। ओके, सो उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक है, अदरवाइज यहाँ भी पोर्टल का लिंक है। सो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे, सो ये है पोर्टल। अब हम बात करते हैं बाकी इन्फॉर्मेशंस की। तो आपको मेन्यू टैब दिख रहा है। ओके, इस पर आप क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे कई ऑप्शंस है, जैसे सबसे पहले डॉक्टरल है, देन क्योंकि मास्टर्स के भी कुछ प्रोग्राम्स हैं सो मास्टर्स का भी है। हम इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ बात करेंगे डॉक्टरल प्रोग्राम की, तो इसलिए हम सिर्फ उसे देखेंगे। आपको और किसी प्रोग्राम में भी इंटरेस्ट हो तो आप बाकी जो ऑप्शन हैं उन्हें भी देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो डॉक्टरल है अभी, इसमें बाकी डिटेल्स हैं। आफ्टर दैट यहाँ PG एडमिशन्स का ऑप्शन है। सो गाइज प्लीज़ PG एडमिशन्स में कंफ्यूज मत होइएगा, PhD की इन्फॉर्मेशन भी PG एडमिशन में होती है, एंड कई बार एप्लीकेशन पोर्टल को PG एडमिशन पोर्टल ही बोला जाता है। सो इसे आप एक्सपैंड करेंगे जब, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फी, आफ्टर दैट रिसर्च एरियाज क्या क्या हैं, सीट मैट्रिक्स, देन सेलेक्शन प्रोसेस। एंड जब हम डॉक्टरल को एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ PhD का ऑप्शन है। आफ्टर दैट क्या क्या डिसिप्लिन अवेलेबल हैं, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी है सो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन जॉइंट PhD प्रोग्राम है IIT BHU के साथ, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट मोड से PhD अवेलेबल है, देन स्पेशल स्कीम है, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें यहीं से देखने को मिलेगा, एंड स्टूडेंटशिप कैटेगरी, सो किस किस कैटेगरी में एडमिशन हो रहे हैं वो भी। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे भी देखेंगे। सो पहले हम सीट मैट्रिक्स एक बार देख लेते हैं सो दैट कितनी सीट्स हैं वो आपको पता चल सके, एंड आपके सब्जेक्ट में है या नहीं। आफ्टर दैट हम एलिजिबिलिटी और बाकी सभी इंफॉर्मेशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ PG एडमिशंस के सेक्शन से सीट मैट्रिक्स को हम डाउनलोड करते हैं एंड देखते हैं उसको। सो यस, ये है PDF सीट मैट्रिक्स है। यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स के सीट्स अवेलेबल हैं। हम PhD की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ CSE, सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 30 सीट्स हैं, जिसमें 12 ओपन कैटेगरी की है, EWS की 3 है, देन OBC NCL 8 है, SC 5 एंड ST की 2 सीट्स हैं, सो अब हम सिर्फ टोटल सीट्स देखेंगे। आप प्लीज़ अपने कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि 51 सीट्स है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें कि 48 सीट्स हैं। देन सिविल इंजीनियरिंग में 53 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। देन है डिज़ाइन डिपार्टमेंट, जिसमें 18 है। देन BSBE बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग में 38 सीट्स अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि 36 सीट्स अवेलेबल हैं। देन यहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं सीट्स 42 टोटल हैं। आफ्टर दैट केमिस्ट्री में 40 है, देन मैथमेटिक्स में 42 है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में 35, देन स्कूल ऑफ एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी में 10 है। सिमिलरली बिजनेस स्कूल में भी 10 सीट्स अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट 11 सीट्स अवेलेबल हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट, जो कि एनर्जी साइंसेज एंड इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट उसके बाद हेल्थ साइंस में भी 10 है, डेटा साइंस में 10 है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर में भी 10 है, सेंटर फॉर एनवायरमेंट में 11 सीट्स है, देन इंडियन नॉलेज सिस्टम में 10 है, लिंग्विस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 10 है, नैनोटेक में 11 है, देन सस्टेनेबल पॉलीमर 10 एंड इंटेलिजेंट साइबर फिजिकल सिस्टम्स में भी 10 सीट अवेलेबल हैं, जो कि सिर्फ प्रोजेक्ट मोड से अवेलेबल हैं। देन जो स्पेशल स्कीम है JRF की, उसमें फिजिक्स की टोटल आप देख सकते हैं 14 सीट्स हैं, केमिस्ट्री की 19 एंड BSBE में 6 सीट्स हैं। ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में यहाँ पे आप PhD MTech CSE में चेक करना चाहते हो सो 10 सीट्स हैं। सिमिलरली MS इंजीनियरिंग प्लस PhD इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 सीट्स अवेलेबल हैं। देन यहाँ पे बाकी कोर्सेज की सीट्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। अब हम विजिट करते हैं वेबसाइट
वेबसाइट पे हम देखते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन को। सो यहाँ पे जब हम फिर से एक्सपैंड करेंगे तो आप बाकी ऑप्शंस को देख सकते हैं। हम इन्हें पहले नहीं देखेंगे, अब हम बात करेंगे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो पीएचडी के अंडर डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। देन रिसर्च है एंड बाकी मोड्स हैं। सो इसमें इसके बाद है एलिजिबिलिटी, इसे हम क्लिक करेंगे, दैट इज आप भी क्लिक कर सकते हैं जब आप देखेंगे। सो उसके बाद यहाँ पे आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। सो अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो मास्टर्स डिग्री हो या फिर फोर ईयर का बैचलर्स डिग्री हो रेलिवेंट डिसिप्लिन में, तो आप एलिजिबल हैं। सीजीपीए या सीपीआई कितना होना चाहिए? सो मास्टर्स डिग्री अगर आपने किया है ना, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो 60% मार्क्स या 6 सीपीआई हो आपके पास या आपका। देन फोर ईयर बैचलर्स डिग्री है तो उस केस में 70% मार्क्स या 7 सीपीआई रिक्वायर्ड है। 5% का रिलैक्सेशन होता है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, राइट। नाउ यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज डिग्री एंड डिसिप्लिन दिया हुआ है, हम वन बाय वन सबको डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन वीडियो का हो जाएगा एंड आप भी नहीं देखेंगे। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप विजिट कर लीजिएगा एंड आप अपने डिपार्टमेंट का जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है डिग्री है वो अगर हो आपके पास तभी अप्लाई करिएगा। एक हम देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले है बीएसबी डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे अगर मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंसेज वेटरनरी साइंसेज फार्मेसी में तो आप एलिजिबल हैं। देन फोर ईयर मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक या मेडिकल साइंसेज में है रेलिवेंट एरिया में तो आप एलिजिबल हैं। टू ईयर्स का मास्टर्स डिग्री कोर्स है एंड वो आपने फोर ईयर के बैचलर्स के बाद किया तो आप एलिजिबल हैं। या अगर थ्री ईयर का मास्टर्स डिग्री आपके पास हो, थ्री ईयर बैचलर्स के बाद आपने वो किया हो इंजीनियरिंग टेक या साइंस में तो आप एलिजिबल हैं। लास्ट टू ईयर का एमएससी डिग्री हो एंड वो आपने थ्री ईयर बैचलर्स डिग्री के बाद कंप्लीट किया हो तो उस केस में आप भी एलिजिबल हैं। ओके, सो ये था बीएसबी का। बाकी यहाँ पे आप डिपार्टमेंट्स का देख लीजिएगा, परसेंटेज का क्राइटेरिया सेम है, 60% हो मास्टर्स में एंड अगर बैचलर्स किया है तो उस केस में डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं तो 70% का है क्राइटेरिया। नेक्स्ट यहाँ ड्यूअल एमटेक पीएचडी के लिए है, सो ये सीएससी में ही ऑफर किया गया है। सो आप इसके क्राइटेरिया को देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो अप्लाई करने में। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज की, बिकॉज उसी से हमें पता चलेगा कि गेट रिक्वायर्ड है या नहीं। सो अगेन सेम, यहाँ पे आपने देखा था ऑप्शन डॉक्टरल में, यहाँ पे पीएचडी, आफ्टर दैट स्टूडेंटशिप कैटेगरी। सो हम अब हम इसे देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज कौन कौन सी है, रेगुलर कैटेगरी है, देन नॉन रेगुलर कैटेगरीज भी हैं जैसे स्पॉन्सर्ड, एम्प्लॉयड, पार्ट टाइम, देन प्रोजेक्ट स्टाफ, एक्सटर्नल एंड सेल्फ फाइनेंस कैटेगरीज भी अवेलेबल हैं। सो सीट्स की बात करें, सो जो रेगुलर कैटेगरीज हैं और कितनी नॉन रेगुलर के लिए, सो सीट्स जो नॉन रेगुलर कैटेगरीज के लिए हैं वो है 10%। सो टोटल जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उनमें से 10% सीट्स हैं जो कि नॉन रेगुलर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए हैं, बाकी 90% सीट्स जो हैं वो रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर कैटेगरी, सो अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं सो आप फुल टाइम पीएचडी करेंगे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए क्राइटेरिया है, सो आप असिस्टेंटशिप रिसीव करेंगे आईआईटी गुवाहाटी से। ओके, एंड मिनिमम क्या है रिक्वायरमेंट, सो पीएचडी का ऑप्शन है यहाँ पे, देन इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए वैलिड गेट या सीट स्कोर होना चाहिए या फिर बीटेक, बीडेस, एमएससी, एमए, एमटेक, एमडेस, एमएस डिग्री आपके पास जो है वो आईआईटी से हो एंड दैट टू 8 सीपीआई के साथ। अगर ये क्राइटेरिया भी आप फुलफिल करते हैं तो आप इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए एलिजिबल हैं बिना गेट के भी। नेक्स्ट आपने यूजीसी, सीएसआईआर, नेट क्वालिफाई किया हो आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए, देन फोर्थ एमटेक या एमडेस किया है या इक्विवेलेंट कोई डिग्री है आपके पास, साथ में गेट या सीट आपने क्वालिफाई किया हो, वैलिड हो ज़रूरी नहीं है, बस क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं। देन यहाँ बाकी है, सो अगर आप फेलोशिप होल्डर हैं, फेलोशिप किसी और इंस्टीट्यूट से मिलेगी तो आप एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पे कौन कौन सी फेलोशिप आपको अगर मिल रही है तो आप एलिजिबल हैं वो आप देख सकते हैं, राइट। आरजीएनएफ भी है, डीजीएफएस है, आफ्टर दैट एनबीएचएम है, नेट जीआरएफ, राइट, वो भी अवेलेबल है। देन वो स्टूडेंट जो कि इंस्पायर फेलोशिप के लिए क्वालिफाइड है वो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे एंड जब भी फेलोशिप आपको अवार्ड हो जाएगी तो आपको उसी डेट से कन्वर्ट कर दिया जाएगा या फिर मतलब जैसे अभी आप सेल्फ फाइनेंस में रहेंगे, जब फेलोशिप लगी तो फिर आपको रेगुलर कैटेगरी में या फिर फेलोशिप वाले कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन है नॉन रेगुलर कैटेगरीज के लिए भी है। सो स्पॉन्सर्ड है अगर आप तो आपको कोई इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सर करेगा, राइट। यहाँ पे आप फुल टाइम बेसिस पे करते हैं एंड आपको फेलोशिप नहीं मिलती इंस्टीट्यूट की तरफ से। एक ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए पीएचडी के लिए, टू ईयर का होना चाहिए एमटेक, एमडेस एक्सेट्रा के लिए। स्पॉन्सरशिप लेटर यहाँ पे फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, ये आपको सबमिट करना होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट टाइम, सो एम्प्लॉयड पार्ट टाइम के लिए
आप प्रोफेशनली एम्प्लॉयड हैं एंड आप चाहते हो पीएचडी करना तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे असिस्टेंटशिप नहीं मिलती है। एंड कोर्स वर्क के लिए आपको अटेंड करना होता है रेगुलर, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम है तो आप एलिजिबल हैं। एनओसी आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है, फॉर्मेट आप देख सकते हैं। देन प्रोजेक्ट स्टाफ है, सो आरएनडी प्रोजेक्ट्स में अगर आप चाहें तो डायरेक्टली एनरोल हो सकते हैं, देन वो पीएचडी में कन्वर्ट हो जाता है। सो आप ये कैटेगरी देख लीजिएगा। देन एक्सटर्नल कैटेगरी भी है, सो आप कहीं और किसी और इंस्टीट्यूट में करना चाहते हो रिसर्च, एनरोल यहाँ पे होते हैं। सो ये होता है जो बेसिक है लेमैन टर्म्स में कि क्या है इसका मतलब वो, राइट। सो आप इसको देख लीजिएगा। आप जो पीएचडी थीसिस का रिसर्च वर्क है वो अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे सुपरवाइजर के अंडर, बट ओवरऑल गाइडेंस आपको मिलेगी गुवाहाटी के प्रोफेसर या सुपरवाइजर से। ओके, इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एंड स्पॉन्सरशिप लेटर आपको सबमिट करना होगा। देन सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी है जिसमें आपको किसी भी सोर्स से कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगी, एंड अगर 3 ईयर का एटलीस्ट आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, एंड यहाँ पे भी फुल टाइम बेसिस पे आप पीएचडी करेंगे। ओके, देन इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड जो कि सिमिलर है, यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सो ये कैटेगरीज थे। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए ड्यूअल जो प्रोग्राम्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशंस भी दी हुई है, सो आप इसे देख लीजिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के क्या क्या एरियाज हैं प्लीज़ आप उन्हें चेक कर लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट हो। ये बाकी इन्फॉर्मेशंस हमने क्योंकि देख लिया है तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ पीजी एडमिशन में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सो एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिव हुआ है 4 अप्रैल से एंड क्लोजिंग डेट है 25 अप्रैल 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, सो यस नाउ एप्लीकेशन फीस। सो एप्लीकेशन फीस सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 है, टीजी दैट इज ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए भी 150 है, सभी SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए भी 150 है, बाकी जो भी कैंडिडेट्स बचे उनके लिए है 300 मेनली ओपन कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स, राइट। देन यहाँ सेलेक्शन प्रोसीजर है, सो देखिए आप अप्लाई करेंगे कोई किसी भी बेसिस पे आपको वो शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। क्राइटेरिया क्या होगा वो अभी नहीं पता है, वो जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। सो गेट नेट की परफॉर्मेंस भी हो सकती है, बाकी आपके एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस हैं उनके मार्क्स भी हो सकते हैं। ओके, सो शॉर्टलिस्ट होंगे देन आपको नोटिफाई किया जाएगा कि रिटर्न होगा या सिर्फ इंटरव्यू होगा, जो भी होगा। सो उसके लिए आप वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा एंड बाकी जो प्रोसेस है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। ओके, सो यस हमने मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन को देख लिया है, राइट। अगर स्टिल आपको कोई इशू है तो आप बता दीजिएगा। एरियाज हमने नहीं देखा है, सो एक बार हम बिफोर साइनिंग ऑफ एरियाज को भी देख लेते हैं। ओके, एंड देन एरियाज में भी आपको सेलेक्ट करना होगा कि किसके एरिया देखने हैं। सो पीएचडी को हम सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए एरियाज गिवन है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से रिसर्च एरियाज हैं आपके डिपार्टमेंट के जो कि अवेलेबल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो हम 1 by 1 इसे भी डिस्कस नहीं करेंगे, प्लीज़ आप इसे चेक कर लीजिएगा। एंड लिंक भी आई थिंक गिवन है, सो आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं डिपार्टमेंट की और जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन है उन्हें देख सकते हैं, राइट। सो ये था IIT गुवाहाटी का नोटिफिकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन थे IIT गुवाहाटी से रिलेटेड। क्राइटेरिया आपको बता दिया, इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए यस रिक्वायर्ड है गेट आपके पास होना चाहिए, क्या नेट हो या अगर IIT से आपने किया है मास्टर्स तो उस केस में आप एलिजिबल हैं एग्जिम्पशन के लिए, राइट। एंड मार्क्स 60% है जिन्होंने मास्टर्स किया है, 70% है जिन्होंने बैचलर्स किया एंड डायरेक्ट PhD करना चाहते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।